मैं 2019 से खेल रहा हूं भैया, आज तक सफलता नहीं मिली है। राम राम सारे भैया ने, स्वागत करता हूं आप सबका मैं संडे कमेंट बॉक्स वीडियो में। ये वीडियो भाई हर संडे को आती है और इस वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। ये मानो कि भाई ये वीडियो Q&A है। मेरे पास क्वेश्चन आया है, चलिए आपको मैं पढ़ के बताता हूँ। मैं 2019 से खेल रहा हूँ भैया, आज तक सफलता नहीं मिली। फिर मैंने कमेंट किया, मिल जाएगी सफलता भाई, फैंटेसी को थोड़ा टाइम दो। फिर उन्होंने कमेंट किया, मैं बहुत मेहनत से ड्रीम इलेवन में टीम बनाता हूँ भैया, फिर भी निराशा हाथ लग जाती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बहुत सालों से खेलता आ रहा हूँ। मैं मेरा परिचय बताना भूल गया भैया, सॉरी। नाम सुरेश कुडेम, छत्तीसगढ़ राज्य का बीजापुर जिले से हूँ। सुरेश भाई, आपके राज्य से तो बहुत भाइयों ने जीएल जीती है, मेगा जीएल जीती है। आप कौन सी लीग खेलते हो और इन्वेस्टमेंट कितना है? नेक्स्ट संडे को मैं वीडियो में सही से बता पाऊंगा। फिर उन्होंने कहा कमेंट करके, WPL 59 रुपये, 1.50 करोड़, पाकिस्तान सुपर लीग TSL 49 रुपये, 1 करोड़। IPL में 2 करोड़ का लीग को खेलता रहता हूँ भैया, अभी 22 मार्च से फिर से खेलूँगा। तो ये कह रहे कि फिर से IPL आएगा तो फिर से खेलूँगा मैं। अगर आपसे GL में टीम नहीं बनती तो आप एक काम करो, आप 2-3 मेंबर मिनी GL या फिर 50-60 हज़ार 10 हज़ार ऐसे GL में खेलो, क्योंकि देखो बड़ी बड़ी GL में रिस्क लेना पड़ता है। मुझे लगता कि आप सही से रिस्क नहीं लेते हो, अगर आप रिस्क लेते ना तो आप आराम से जीत जाते। तो देखो भाई, रिस्क लेने के लिए भाई हमें काम करना होगा। अगर मान लो हम 59 रुपये लगाते हैं, तो हमें 59 रुपये भूलना होगा। क्यों भूलना होगा? क्योंकि हमें उसका 10 गुना 5 गुना 15 गुना इन्वेस्टमेंट लेना है वापस। अगर आप 59 रुपये लगाते हो, रिस्क नहीं लेते, फिर आप भूल जाओ भाई अगर आप GL कभी जीतोगे। हाँ, अगर आपको GL जीतनी है तो भूल जाओ कि मुझे 59 रुपये वापस चाहिए। आप रिस्की टीम बनाओ, रिस्की टीम। सुरेश भाई, मैंने बहुत बार बोला है मेरी वीडियो में, अगर आप GL खेलते हो तो आप अपनी टीम में रिस्की प्लेयर जरूर रखो। रिस्की प्लेयर GL में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, और अपनी टीम में रखा करो। तो भाई आपको मैं कुछ ऐसे 4-5 मैच दिखाता हूँ जो मैंने खेले हैं, और कुछ ऐसे रिस्की प्लेयर हैं जो मैंने नहीं लिए थे और वो ज़्यादा पॉइंट दे गए। उनका सिलेक्शन बहुत कम है लेकिन पॉइंट ज़्यादा दे गए। और कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका हाई सिलेक्शन है लेकिन उन्होंने पॉइंट कम दिए। तो देखो भाई, आपके सामने मैं यहाँ पर एक वीडियो लगा रहा हूँ, उसको आप देखो, आप समझ जाओगे और आपके काम बहुत आएगी वीडियो। और आप इस क्लिप को देखो भाई, आपके बहुत काम आएगी। सबसे पहले देखो भाई, ये मैच है UP वर्सेस दिल्ली वुमेन्स। इसमें देखो राधा यादव, 124 पॉइंट है राधा के, इनका सिलेक्शन है 14.91, ये लगा लो कि 15 ही है। और ये कैप्टन हुई हैं GL में 0.44, और वाइस कैप्टन है 0.64। ये देखो सुरेश भाई, 124 पॉइंट, सिलेक्शन सिर्फ 15 का है। उसके बाद देखो यहाँ पर मर्जिनी कैप बैटिंग बॉलिंग करती हैं, ऑलराउंडर हैं। इनका सिलेक्शन है 93 का पॉइंट 117। ये भी नहीं करना कि जिनका सिलेक्शन हाई है आप उनको बाहर फेंक दो, नहीं, रखो एक दो रिस्की प्ले रखो। उसके बाद देखो यहाँ पर श्वेता सहरावत, 10% इनका सिलेक्शन और इनके पॉइंट है 60। उसके बाद यहाँ पर हैं शिखा पांडे, 34 का सिलेक्शन है और 20 इन्होंने पॉइंट दिए हैं। उसके बाद ये देखो भाई, एलिसी कैप्सी और ताइला मैगराथ, 93 92, ये मेरी 2 और 3 मेंबर की टीम थी। इस मैच में बहुत से भाइयों की ताइला मैगराथ कैप्टन, एलिसी कैप्सी वाइस कैप्टन, या फिर इनको चेंज भी कर दिया होगा, कैप्सी कैप्टन ताइला मैगराथ वाइस कैप्टन। अब आपको मैं कुछ और मैच दिखाता हूँ। ये मैच देखो, ये मैच है SEC वर्सेस DSG, साउथ अफ्रीका की जो लीग है ना उसका फाइनल मैच। इसमें मैंने देखो भाई, इतना यहाँ पर मैंने अमाउंट जीता था, और यहाँ पर सिर्फ मैं एक टीम से खेला था, और ये GL की टीम है। इसमें कितनी टीम है? 2,28,448 इसमें टीम है, और मेरी इसमें 147 रैंक आई है। इसमें देखो भाई मेरी टीम, आपको दिखाता हूँ मैं। सबसे पहले जो रिस्की प्लेयर हैं और जो जिनका सिलेक्शन हाई है वो देखो, यहाँ पर यानसेन है 169 पॉइंट, इनका सिलेक्शन है 93 का। तो ये बढ़िया प्लेयर हैं, ऐसे प्लेयर आपको GL में काम आते हैं, तो इनको रखा करो, ये ऑलराउंडर हैं। उसके बाद देखो भाई आगे मैच में,
जे हेरमैन 30 का सिलेक्शन है, 60 पॉइंट दिए हैं। उसके बाद वियान मुल्डर हैं 59 पॉइंट। उसके बाद एस हार्मर 9 का सिलेक्शन है और इन्होंने 37 पॉइंट दिए हैं। उसके बाद हाई सिलेक्शन जूनियर डाला 62 का सिलेक्शन है, 18 इसने पॉइंट दिए। उसके बाद हैनिस क्लेसन 82 का सिलेक्शन है, पॉइंट 10। देखो भाई क्लेसन, अगर क्लेसन की टीम की पहली बैटिंग आती है तो ही रखा करो, रन चेज में थोड़ा डाउन आती है। उसके बाद क्विंटन डीकॉक 68 का सिलेक्शन है और 7 इसने पॉइंट दिए हैं। अब आपको मैं अगला मैच दिखाता हूँ, ये मैच देखो भाई, ये मैच है आईपीएल 2023 का, राजस्थान वर्सेस गुजरात। इसमें टीम देखो भाई, आप देख रहे हो ना, इसमें देखो राशिद खान 119 पॉइंट, हार्दिक पांड्या 93 पॉइंट। हार्दिक पांड्या 4-5 नंबर पर आते हैं और 4 रन डालते हैं, तो ऐसा प्लेयर आपकी टीम में होना चाहिए, इसको आप हटाया मत करा करो। उसके बाद देखो यहाँ पर सिलेक्शन देखो, जोशुआ लिटिल 9 का सिलेक्शन है, 31 पॉइंट दिए। उसके बाद यहाँ पर देखो जोश बटलर 83 का सिलेक्शन है, पॉइंट दिए 14 है। उसके बाद यहाँ पर देखो और खिलाड़ी जिसका सिलेक्शन हाई है, डेविड मिलर 62 का सिलेक्शन और 4 पॉइंट। उसके बाद और नीचे तो कोई ऐसा है नहीं जो हाई सिलेक्शन का है। अगला मैच देखो भाई, ये मैच है आईपीएल 2023 एसआरएच वर्सेस केकेआर का। इसमें देखो एडन मार्कराम और रसेल, ये मेरे कैप्टन वाइस कैप्टन है, अच्छा इन्होंने पॉइंट दिया, तो ऐसे प्लेयर रखो। रसेल प्रॉपर ऑलराउंडर हैं, बॉलिंग बैटिंग करते हैं और भाई जबरदस्त चौके छक्के मारते हैं। तो ये देखो रिंकू सिंह 32 का सिलेक्शन है, 70 पॉइंट। उसके बाद देखो यहाँ पर आपको एक प्लेयर दिखाता हूँ जिसका सिलेक्शन बहुत ही कम है, सुधाकर रॉय 0.42 का सिलेक्शन है और 60 पॉइंट दिए हैं। ये खिलाड़ी ऐसा है जो आपको हर लीग जिता देगा, तो ऐसे प्लेयर रखो भाई। उसके बाद देखो यहाँ पर चक्रवर्ती 83 का सिलेक्शन है और 33 पॉइंट। और यहाँ पर लास्ट में देखते भाई हाई सिलेक्शन का कौन प्लेयर है, कोई नहीं है। अब अगला मैच देखते हैं, ये मैच है दी 100, इसमें 100 बॉल होती हैं और एक बॉलर के हिस्से में 20 बॉल होती हैं। ये मैच है LNS वर्सेस MNR। इसमें देखो जॉर्डन थॉम्पसन 132 पॉइंट, सिलेक्शन 54। उसके बाद लियाम डाउसन 80 पॉइंट, सिलेक्शन मात्र 14.37, बहुत ही कम सिलेक्शन है। उसके बाद टॉम हार्टले 19 का सिलेक्शन है और 64 पॉइंट। उसके बाद पॉल वाल्टर 11 का सिलेक्शन है और 60 पॉइंट। उसके बाद यहाँ पर देखो आपको दिखाता हूँ नीचे और किसका हाई सिलेक्शन है। यहाँ पर देखो रसेल का 90 का सिलेक्शन है, पॉइंट कितने दिए, सिर्फ 18। तो यहाँ पर ये कुछ ऐसे मैच थे जिसमें मैंने आपको दिखाना था कि भाई कुछ ऐसे प्लेयर हैं जिनको आप अपनी टीम में रखो जिनका सिलेक्शन कम है। हाँ आपको एक काम और करना है, आपने मान लो किसी रिस्की बॉलर को अपनी टीम में रख लिया है, उसका सिलेक्शन बहुत कम है, उसने सिर्फ एक ओवर किया तो आपके कोई काम का नहीं, कम से कम 2 या 3 ओवर डाले और वो कुछ मैचों से फ्लॉप होना चाहिए तभी आपके लिए वो काम करेगा। और कुछ ऐसे प्लेयर जिनका सिलेक्शन हाई है, चाहे वो विकेट कीपर हो, चाहे वो बैटर हो, चाहे वो ऑलराउंडर हो, चाहे वो बॉलर हो, तो किसी भी कैटेगरी में कोई भी रिस्की प्लेयर हो सकता है। और देखो सुरेश भाई, आप अपनी टीम अच्छे से बनाया करो तभी आपकी टीम काम करेगी। अब आपको मैं एक आसान सा तरीका बताता हूँ जिससे आप अपनी जीएल की टीम बना सकते हो। देखो भाई जैसे 1 करोड़ 2 करोड़ ये कोई भाई जीतता है, तो आप एक काम क्या करो, आप विनर में जाओ और ये देखो, आप वीडियो देख रहे हो ना, इसमें इस भाई की 1 रैंक है 2 रैंक है 3 रैंक है, इसने इतने जीते हैं 3.5 लाख रुपये, इसने 1 लाख जीते हैं, तो आप इनकी टीम देखा करो, इसने कितना रिस्क लिया है कितना रिस्क नहीं लिया, इसके पास कौन कौन ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने अच्छा स्कोर किया, इनका सिलेक्शन कम था। ये देखो इस मैच में 15,000 10,000 24,000, उसके बाद 1.5 लाख 40,000 10 लाख 1.5 लाख 30,000 और यहाँ पर 4 लाख 1 लाख 2 लाख। तो इस तरह आपको विनर्स में ऐसी लिस्ट मिल जाएंगी, आप देखो इस भाई ने कैसा रिस्क लिया है और आप उसी तरीके की टीम बना सकते हो। लेकिन हर मैच एक सा नहीं होता, हर मैच होता अलग तरीके का, तो आप इस तरह अपनी एक जीएल की बहुत आसानी से अच्छी टीम बना सकते हो। सुरेश भाई आपको मैं एक बात और बताऊं, मेरे से बड़े बड़े और भी बहुत से एक्सपर्ट हैं जिनके चैनल पर 1-1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, 50,000 सब्सक्राइबर हैं, 60,000 सब्सक्राइबर हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि आपकी समस्या सुने, क्योंकि इनके पास बहुत से मैसेज होते हैं,
कई भाई ऐसे जो कहेंगे सर हमको 1 करोड़ जिता दो, 2 करोड़ जिता दो, 50 लाख जिता दो, लेकिन भाई मैंने ये चैनल आप लोगों की हेल्प के लिए खोला है। मेरे पास ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है लेकिन मैं हेल्प सबकी करता हूँ। मैं अब आपने मेरे से ये क्वेश्चन किया कि मैं 2019 से खेल रहा हूँ, आपकी इस क्वेश्चन से बहुत से भाइयों का भला हो जाएगा, उनकी हेल्प हो जाएगी। देखो भाई आप फैंटेसी खेलो ना, घबराया मत करा करो, 1-2 मैच हारने से। देखो भाई 1-2 मैच हारने से कुछ नहीं होगा, आप रेगुलर प्रैक्टिस किया करो, या फिर ड्रीम इलेवन में जीएल की प्रैक्टिस वाली लीग होती है, आप कुछ दिन खेलो, 1 महीना उसमें खेलो, जो टीम आप इसमें बनाते हो पूरे मेहनत से, प्रिडिक्शन से, स्किल से, उस टीम को आप फ्री वाली लीग में डालो, फिर देखो आपकी टीम कैसी है। आप 1 महीने प्रैक्टिस करो, आपकी जो स्किल है, आपकी प्रिडिक्शन है, आपकी टीम जैसे पहले 20% बढ़ती अच्छी। अगर आपने ड्रीम इलेवन में फ्री लीग में अगर आपने खेला, 1 महीने प्रैक्टिस की, हर मैच को खेला, तो मैं दावे से कहता हूँ आपका जो स्किल है, आपका जो प्रिडिक्शन है, वो 60% का हो जाएगा, आप एक अच्छी टीम बना पाओगे। देखो भाई मैं भी हारता हूँ फैंटेसी में, मैं भी जीतता हूँ, लेकिन हम डीमोटिवेट नहीं होते। कुछ भाई ऐसे हैं जो हारने के बाद डीमोटिवेट हो जाते हैं और वो छोड़ देते हैं। भाई देखो 1-2 मैच हारने से कुछ नहीं होता भाई, आप लगातार खेलो, आप 2-3 दिन खेलोगे फिर हार जाओगे, फैंटेसी को छोड़ दोगे, फिर कहोगे नहीं भाई मेरे बस की बात नहीं है। भाई आप मेहनत करो, आप दिन रात मेहनत करो, जब भी आपको टाइम लगे आप मेहनत करो भाई, आप ना सीखा करो, चाहे कोई भी मैच हो, आप एक काम किया करो, आप मैच में देखा करो कि ये जो बॉलर है ये कहाँ पर बॉलिंग डालेगा, डेथ में, मिडिल में, पावर प्ले में। कुछ ऐसे बॉलर हैं जो कि सिर्फ पावर प्ले तक बॉलिंग करते हैं, ये देखो कि ये बल्लेबाज कहाँ पर खेलता है, फिनिशर है, मिडिल ऑर्डर में है, या फिर ये ऑलराउंडर। जैसे मान ले भाई कोई ऑलराउंडर है, वो 4 ओवर पूरे डालेगा और कम से कम 3 या 4 नंबर पर बैटिंग करेगा, वो खिलाड़ी आपके लिए सबसे बेस्ट है। तो ऐसे खिलाड़ी आपको लेने चाहिए, डेथ वाले बॉलर हैं और जो फिनिशर बैटर हैं। अगर मान लो भाई कोई फिनिशर है, जैसे टीम डेविड है और रिंकू सिंह है, पता भाई इनको मिलेंगे तो 15 बॉल मिलेंगी या फिर 20-25 मिलेंगी, क्योंकि फिनिशर हैं और उनकी पहले बैटिंग है, तो आप मिनी जीएल में इनको कैप्टन कर दो भाई, कैप्टन कर दो। अगर एक फिनिशर को 15 से लेकर 20 बॉल मिल गई ना, वो कम से कम 50 रन भी ठोक सकता है। 15 बॉल में मान लो कि उसके 4 से 5 छक्के मिलेंगे, 7 भी मार दे, फिनिशर बहुत ही भयंकर प्लेयर होता है भाई, बहुत भयंकर प्लेयर। और भाई आप ना अच्छी टीम बनाया करो, दिमाग से बनाया करो भाई, ये मत सोचा करो कि भाई ये मेरा सबसे बढ़िया खिलाड़ी है, इसको मैं छोड़ू नहीं गा, मैं इसका फ़ैन हूँ। भाई फैंटेसी में ना आप फैन वैन भूल जाओ, फैन वैन है वो आपके फैंटेसी बार है। जैसे आप किसी प्लेयर को पसंद नहीं करते, नहीं भाई इसको मैं नहीं लूँगा, ये मुझे पसंद नहीं, भाई आपके नापसंद पसंद से क्या होता है, आप उसको नापसंद करो, टीम में मत लो, और वो भाई 50 रन ठोक जाएगा, फिर कहो अरे यार ये चल गया। तो फैंटेसी में अपने दिमाग से खेलो भाई, दिमाग से तभी आप जीत पाओगे। ये नहीं कि भाई मैं इसको नहीं लूँगा, मैं उसको नहीं लूँगा, भाई आपको लेने पड़ेंगे, आप टीम के मालिक हो, आप जिसे लोगे ना वही आपकी टीम में रहेगा। तो ये छोड़ दो भाई कि ये पसंद नहीं है, वो पसंद नहीं है, भाई अपने दिमाग से खेला करो भाई। अगर आप किसी की टीम से खेलते हो, चलो मान लो आप मेरी टीम से खेलते हो, 2-3 मेंबर, मैं यही खेलता हूँ कभी कभार मिनी जीएल। और हाँ पहले के ड्रीम इलेवन में 8 रुपये की जीएल होती थी, कबड्डी में मैंने जीएल जीत रखी, उसमें 50,000 मेंबर होते हैं सुरेश भाई, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, मिनी जीएल 27 मेंबर, 60 मेंबर, 100 मेंबर, आप इनमें खेलो, आपकी टीम अच्छा काम करेगी। 1 करोड़ 2 करोड़ वाली लीग में ना आपको बहुत ही ज़्यादा रिस्क लेना पड़ेगा भाई, बिना रिस्क आपका काम नहीं चलेगा भाई, पहले बताता हूँ मैं। चाहे मेरे से आप है ना आज लिखवा लो, चाहे आप मेरे से कल लिखवा लो, चाहे परसों लिखवा लो, बिना रिस्क की प्लेयर के आपकी जीएल कोई काम की नहीं है। और सुरेश भाई आपको एक बात और बताऊँ मैं, जीएल में अगर आपका कैप्टन नहीं चला ना, तो आप बोल जाओ कि आपकी टीम कभी जीएल जीतेगी। कैप्टन वाइस कैप्टन बहुत ज़रूरी होते हैं भाई, बहुत ज़रूरी जीएल की टीम में जीतने के लिए। देखो सुरेश भाई कई बार क्या होता है, किसी भाई का कैप्टन उसने 300 पॉइंट दिए, वाइस कैप्टन ने 200 पॉइंट दिए, और उसका सिर्फ एक प्लेयर है जिसने कम पॉइंट दिया, जब भी वो जीएल नहीं जीत सकता। जीएल जीतने के लिए आपके कैप्टन वाइस कैप्टन 7 में 9 प्लेयर यूनिक होने चाहिए, यूनिक मतलब 2 से 3 प्लेयर यूनिक होने चाहिए, आपकी टीम यूनिक हो जाएगी। तो देखो भाई ये नहीं कि भाई आपके कैप्टन वाइस कैप्टन ने सबसे ज़्यादा पॉइंट दिए, नहीं, कई बार हमारा एक प्लेयर भी हमें जीएल से वंचित रख देता है जीएल जीतने से।
तो आप है ना कॉम्बिनेशन से बहुत बढ़िया टीम बनाओ, कॉम्बिनेशन से बनाओ भाई। आपके पास 20 टीम का ऑप्शन तो 20 टीम से खेलो या फिर 11 से खेलो, 11 और 20 मुझे सबसे बेस्ट तरीका लगता है, 11 और 20 टीम से। 20 टीम में आप सभी प्लेयरों को कवर कर सकते हो। कई भाई ऐसे होते जो भाई 10 के 10 टीम में एक ही कैप्टन को रखते हैं, उनका तगड़ा रिस्क होता है वो। अगर वो कैप्टन चल गया तो उसकी 10 टीम टॉप पे रहेंगी, अगर वो प्लेयर नहीं चला तो उसकी 10 टीम खत्म हो जाएंगी। हाँ ये भी कर लिया करो, या फिर एक काम कर लिया करो, आप अलग अलग कैप्टन बनाओ, अलग अलग कॉम्बिनेशन से। डेथ वाले बॉलर की टीम बनाओ एक, उसमें डेथ वाला कैप्टन, ऑलराउंडर की टीम बनाओ जिसमें ऑलराउंडर कैप्टन। और हाँ ये देखा करो कि भाई ये जो विकेट कीपर है कहाँ पर आता है, किस नंबर पर आता है। मान लो एक विकेट कीपर है वो आता है ओपनिंग पर, एक विकेट कीपर आता है 7 नंबर पर, तो जो 7 नंबर पर आता है ना विकेट कीपर वो जीएल के लिए सबसे बेस्ट है। हाँ पहले उस विकेट कीपर की बैटिंग आनी चाहिए, और जो पहले नंबर पर होता है ना विकेट कीपर उसको आप 2-3 मेंबर में रखो, सेफ खिलाड़ी होता है वो, सेफ खिलाड़ी। सुरेश भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे से इतना बढ़िया क्वेश्चन पूछा, इस क्वेश्चन से बहुत भाइयों की हेल्प हो जाएगी। और सुरेश भाई आप वो पार्ट जरूर देखना जो वीडियो वाला है, जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाला वीडियो है। तो सुरेश भाई आप ऐसे कमेंट किया करो और मैं भाई ऐसे उसका आंसर दिया करूँगा। दोस्तों ये थी आज की हमारी संडे कमेंट बॉक्स वीडियो, आपको कैसी लगी कमेंट करना। हाँ अगर किसी भाई की कोई भी समस्या है आप मुझे बेझिझक इस YouTube चैनल में कमेंट कर सकते हो, अगर आप कमेंट करोगे ना तभी आपकी मैं हेल्प कर पाऊंगा। वैसे मुझे क्या पता भाई आपकी क्या समस्या है। अपना चैनल है धुवन फैंटेसी हाउस, इसको करते रहो सब्सक्राइब। धन्यवाद दोस्तों, अगले संडे कमेंट बॉक्स वीडियो में फिर आपसे होगी मुलाकात एक और ऐसी वीडियो में। धन्यवाद।